शेख हसीना के 15 साल के शासन में बांग्लादेश ने काफी आर्थिक प्रगति की, मगर फिर भी लोग उनसे इतने नाराज हो गए कि उन्हें इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में रविवार 4 अगस्त को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और 13 पुलिस कर्मियों समेत कम से कम 94 लोग मारे गए थे। इसके बाद पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया और देश के एक बड़े हिस्से में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। लेकिन रविवार के हिंसा के बाद विरोध और भड़क उठा। सोमवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी कर्फ्यू के बावजूद ढाका की सड़कों पर उतर पड़े और शेख हसीना के इस्तीफा की मांग करते हुए उनके सरकारी आवास की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार शेख हसीना ने इस्तीफा तो दिया ही और वे बांग्लादेश से भी निकल गई। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुए थे और तब से वहां हुई हिंसा में लगभग 300 लोगों की जान जा चुकी है। हम बात करेंगे बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास पर और उसमें वक्त वक्त पर हुए तख्ता पलट पर, कब, कैसे और क्यों सब बताएंगे डिटेल के साथ। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब ये भी जानना बेहद ही जरूरी हो गया है कि पिछले कुछ सालों में कब कब विरोध प्रदर्शन किए गए और तख्त कैसे पलटा। साल था 1971, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया और एक अलग देश बन गया और किस्मत के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर रहा, लेकिन राजनीतिक हालातों के मामले में दोनों देश एक जैसे थे। बांग्लादेश की आजादी से लेकर अब तक हुए चुनावों में से 4 चुनाव को ही स्वतंत्र और निष्पक्ष माना गया है। बांग्लादेश की सरकार अक्सर चुनाव हिंसा विरोध और मतदान में धांधली के आरोप में गिरती रही। पाकिस्तान से अलग होने के बाद 7 मार्च 1973 को बांग्लादेश में पहली बार आम चुनाव हुए। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मुजीबुर रहमान की अध्यक्षता में आवामी लीग ने चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की। देश में जनता की सबसे ज्यादा पसंदीदा पार्टी माने जाने के बावजूद आवामी लीग पर चुनाव में धांधली करने और विपक्षी नेताओं के अपहरण के साजिश के आरोप लग गए थे। वे वक्त था जब आवामी लीग ने संसद की 300 सीटों में से 293 सीट जीती थी, जो कि एक तरफा थी, और इसी से शुरू हुआ बांग्लादेश में ऑटोक्रेटिकल। अब वक्त था 1974 का। प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान ने सभी विपक्षी दलों के साथ साथ संसद से ज्यादातर प्रेस के लोगों को बैन कर दिया और वहीं से देश में जन्म लिया तानाशाही ने। हालांकि मुजीबुर रहमान अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल 13 दिनों के बाद सेना ने तख्ता पलट दिया। बांग्लादेश 1975 में कदम रखता है और 15 अगस्त को बांग्लादेश की सेना के द्वारा शेख मुजीबुर के घर पर टैंक से हमला कर दिया जाता है, जिसमें मुजीबुर के परिवार के साथ साथ कुछ सिक्योरिटी स्टाफ की भी जान चली गई। लेकिन किस्मत से उनकी दो बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना की जान बच गई, क्योंकि वो उस वक्त जर्मनी में थे। पिता की हत्या के बाद शेख हसीना ने भारत का रुख किया और तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें भारत में शरण दे दी। ये वो दौर था जब भारत में अपने पांव पसारे हुए थे। लेकिन भारत में करीब 6 साल रहने के बाद 1981 में शेख हसीना अपने परिवार के साथ ढाका वापिस लौट आई और जब 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी तो अगले 1.5 दशक तक बांग्लादेश सेना ने सत्ता संभाली। अब साल था 1978 और 1989 का, जब राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव पूर्व सेना प्रमुख जियाउर रहमान के नेतृत्व में हुए। उनके नवगठित बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP भारी बहुमत हासिल किया। तब आवामी लीग ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। जियाउर रहमान के शासन के साथ ही बांग्लादेश में कई ऐसे तौर तरीकों की शुरुआत हुई जिसने देश के धर्म निरपेक्ष ढांचे पर लंबे वक्त के लिए गहरा असर डाला और 1981 में जियाउर रहमान की भी जान ले ली गई। इसके बाद उनके डिप्टी अब्दुल सत्तार ने 15 नवंबर को आम चुनाव कराए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक बार फिर से 65% वोटों से जीत गई। सेना प्रमुख रहे हुसैन मोहम्मद इरशाद ने 1982 में तख्ता पलट करके सत्ता संभाली और 7 मई 1986 के संसदीय चुनाव और उसके बाद 15 अक्टूबर 1986 के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी बहिष्कार के बावजूद उनकी पार्टी
पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। हाँ, वो अलग बात है कि ये वो चुनाव हुए जिसमें वोटों के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के आरोप भी लगे। अब साल था 1988 का। हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता से हटाने की मांग की जा रही थी। बांग्लादेश में एक बार फिर से बड़े विद्रोह प्रदर्शन हुए और इसका नतीजा 1990 का विद्रोह रहा, जिसमें हुसैन इरशाद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। 27 फरवरी 1991 को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति सहमुद्दीन अहमद के नेतृत्व वाली सरकार के प्रमुख दलों ने चुनाव में हिस्सा लिया और चुनाव को न्यूट्रल मानते हुए जियाउर रहमान की पार्टी बीएनपी को मामूली जीत मिली, जो करीब 140 वोटों की थी, और आवामी लीग के हाथ आई थी कुल 88 सीटें। अब वक्त था साल 1996 का, जब बांग्लादेश के सभी विपक्षी दलों में चुनाव का बहिष्कार किया था। यह वो चुनाव हुए थे जब बिना किसी कंपटीटर के बीएनपी ने जीत हासिल कर ली, लेकिन ये सरकार सिर्फ 12 दिनों तक ही चली। और 12 जून को बांग्लादेश में एक बार फिर से चुनाव हुए और इस बार करीब 75% वोटर्स ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। इसे एक निष्पक्ष चुनाव भी माना गया। अपने पिता की खोई हुई विरासत को संभालने के लिए शेख हसीना ने लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी। आखिरकार 1996 में वो पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। उनकी अगुवाई में आवामी लीग ने 146 सीटें हासिल की और विपक्षी पार्टी बीएनपी के हाथ आई थी केवल 116 सीटें। शेख हसीना ने पूरे 5 साल सरकार चलाई, लेकिन 2001 का साल उनके लिए मनहूस साबित हुआ क्योंकि पार्टी हार चुकी थी और अब बीएनपी ने तगड़ी जीत हासिल की थी और सरकार चलाई। अब अगले चुनाव होने थे 2006 में, जो नहीं हो पाई। करीब 2 साल तक बांग्लादेश राजनीतिक संकट के बीच घिरा रहा। इस दौरान हिंसा, दंगे और कई प्रदर्शन होते रहे, लेकिन एक बार फिर से शेख हसीना की वापसी हुई जब 2008 में बांग्लादेश में एक बार फिर से चुनाव हुए और इस चुनाव में 80% वोट डाले गए। लेकिन इस बार मामला जरा अलग था। वो ये कि आवामी लीग ने दूसरे विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाया और इसका नेतृत्व किया शेख हसीना ने, और बीएनपी के नेतृत्व में थी पूर्वी प्रधानमंत्री खलीदा जिया, और गठबंधन ने 48% वोटों के साथ 230 वोटों के साथ बड़ी जीत हासिल की और ऐसे करके 2009 में एक बार फिर से वापसी हुई शेख हसीना की। हालांकि 2006 से 2008 के राजनीतिक संकट के बाद आवामी लीग ने 2011 में चुनाव की देखरेख के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट की जरूरत को समाप्त करने का फैसला किया, क्योंकि शेख हसीना का मानना था कि 2006 में इसी वजह से चुनाव वक्त पर नहीं हो पाए थे और इस प्रावधान को हटाने के लिए संशोधन पारित किया गया। इस बार बीएनपी सहित कई विपक्षी दलों ने मतदान का बहिष्कार किया और शेख हसीना की आवामी लीग ने संसद में 234 सीट जीतकर शेख हसीना तीसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई। और 2018 में बांग्लादेश के लिए वो साल साबित हुआ जब वहां पहली बार इलेक्शन ईवीएम से किया गया। लेकिन बीएनपी और अन्य विपक्षी दलों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आम चुनाव के धांधली करने के आरोप लगाए। हसीना सरकार ने चुनाव के दिन से पहले इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि हसीना चुनाव से जुड़ी फर्जी खबरें रोकना चाहती थी। इस चुनाव में भी शेख हसीना के नेतृत्व में बने ग्रैंड अलायंस ने जीत हासिल की और शेख हसीना प्रधानमंत्री बन गई। हालांकि इसके बाद बांग्लादेश में इस साल की शुरुआत में चुनाव के दौरान हिंसा और प्रदर्शन देखे गए और शेख हसीना की पार्टी पर धांधली के आरोप लगे। विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया और शेख हसीना की आवामी लीग ने आसानी से बहुमत हासिल कर ली, 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई। उधर कभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही खलीदा जिया और उनकी पार्टी बीएनपी बीते करीब 2 दशक से देश में एक भी चुनाव नहीं जीत पाई। भ्रष्टाचार के आरोप में सजा के बाद खलीदा जिया और उनकी पार्टी पर राजनीतिक संकट जकड़ कर बैठा हुआ है। अब जबकि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल चरण पर है, आरक्षण की आग से जलते बांग्लादेश में शेख हसीना का विरोध इस कदर बढ़ा कि 5 बार प्रधानमंत्री को आनन फानन में देश को छोड़कर भागना पड़ गया। वहीं बांग्लादेश की कमान एक बार फिर सेना ने अपने हाथों में ले ली है। ऐसे में खलीदा की पार्टी बीएनपी के पास मौका है कि वो अपने आप को एक बार फिर जनता के सामने साबित कर सकती है। हालांकि आने वाले समय में ये देखना होगा कि बांग्लादेश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कब होते हैं और जनता का भरोसा किस पार्टी पर होगा। आपकी इस बारे में क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।